हेलो एवरीवन, मैं समन सिमरन। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इजी एंड टेस्टी रेसिपी। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स भी आपको मिलते हैं जब आप इसे टेस्ट करते हैं। तो आप इस रेसिपी को किसी भी वक्त बनाकर खा सकते हैं और आप चाहें तो इन्हें स्टोर करके करीब एक हफ्ते के लिए भी रख सकते हैं। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मैक्रोनी कुरकुरे की रेसिपी। तो आइए देखते हैं इसे किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मेरे पास है हाफ कप मैक्रोनी और साथ ही साथ यहाँ मेरे पास है हाफ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टीस्पून मेरे पास है यहाँ पे चाट मसाला और यहाँ मेरे पास है हाफ टीस्पून नमक और साथ ही साथ यहाँ मेरे पास है ओनली का पेरी पेरी स्पाइस, ये भी हमें एक टीस्पून चाहिए और साथ ही साथ यहाँ मेरे पास है एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो यहाँ पे मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें यहाँ पे चाहिए फ्राइंग के लिए रिफाइंड ऑयल और पास्ता को उबालने के लिए एक लीटर पानी और एक छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल। तो आइए चलते हैं रेसिपी के तरफ। तो पास्ता को बॉयल करने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं डाल दूंगी पानी। पानी को हम बॉईल होने देंगे करीब दो मिनट के लिए। ये देखिए करीब दो मिनट हो चुके हैं और पानी में हल्का हल्का बबल आने लगा है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी एक छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल। इसे डालने से पास्ता स्टिकी नहीं होगा, ये अलग अलग रहेगा। और इसमें मैं डाल दूंगी हाफ टी स्पून नमक। नमक डालने से पास्ता थोड़ा सा नमकीन हो जाएगा उबलने के टाइम। आप देख सकते हैं पानी में नमक और ऑयल अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये मैक्रोनी और अब हम कढ़ाई को कवर कर देंगे और मैक्रोनी को अच्छे से हम उबलने देंगे करीब छः मिनट के लिए या तब तक जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाता हो। फ्लेम को हम हाई रखेंगे। करीब तीन मिनट हो चुके हैं तो मैं कवर को निकाल लूँगी और इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे। एक बार फिर से इसे कवर कर दें और इसे हमें 100% सॉफ्ट कर लेना है। करीब छः मिनट हो चुके हैं तो अब मैं इसे एक बार फिर से चेक कर लूँगी। आप देख सकते हैं ये फूल चुका है और ये बिल्कुल सॉफ्ट भी हो चुके हैं। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए नाइफ इसके अंदर तक घुस रही है, इसका मतलब ये सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इन्हें पानी से निकाल कर हमें बाउल में रख लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इन्हें पानी से निकाल कर एक छलनी में रख लिया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ये कॉर्नफ्लोर और इसे एक बार फिर से मिक्स कर लें। इसे डालने से ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो ये दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब हम ऑयल को रख देंगे मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए। ये देखिए मैंने ऑयल को 5 मिनट के लिए गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ये मैक्रोनी। एक साथ ज़्यादा ना डालें वरना ये क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। फ्लेम को कर देंगे हम लो और इन्हें क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए इन्हें दोनों तरफ से चलाते हुए लाइट ब्राउन हो चुके हैं और करीब 2 मिनट में ये फ्राई हो चुके हैं और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़। तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। तो अब मैं इसमें फिर से एक बार डाल दूँगी ये मैक्रोनी। इन्हें भी उसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे और जो बाकी बचे हुए उन्हें भी इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लेंगे। ये देखिए सारे मैक्रोनी फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें स्पाइसेस के साथ मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले एक बाउल ले लें, उसमें डाल दें ये लाल मिर्च का पाउडर, चाट मसाला, नमक और ये पेड़ी पेड़ी। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं इन्हें मिक्स कर लूँगी और अब इसमें डाल दें मैक्रोनी। इन्हें हाथ से ही मिक्स कर लें ताकि अच्छे से कोटिंग हो जाए। तो बनकर तैयार है मैक्रोनी कुरकुरे। आप देख सकते हैं ये काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है और आप चाहें तो इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये मैक्रोनी कुरकुरे की वीडियो अच्छी लगी है नीचे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आपको आपकी पसंद की कोई रेसिपी बनवानी है मुझसे तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।